जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है क्योंकि यहां मरीज एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन बंद होने से परेशान है। परेशान मरीजों ने जब जिला अस्पताल के डॉक्टरों से इसकी शिकायत की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सीएमएस के मुताबिक एक्सरे मशीन के कमरे में लगे एसी में चूहा मर जाने से बदबू के कारण एक्सरे मशीन बंद है। वहीं अल्ट्रासाउंड वाले टेक्नीशियन का पैर फ्रैक्चर होने के कारण अल्ट्रासाउंड भी बंद है। पेट में दर्द, मैंने 2 साल पहले ऑपरेशन कराया था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, कल से मैंने कुछ नहीं खाया और मैं यहाँ पे बोली अल्ट्रासाउंड का जाओ तुम, तुम्हारा यहाँ अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मैं जबकि बैठी मेरे पेट दर्द कर रहा है ना, मैंने दर्द की गोली खाई है ना कुछ किया है। मैं गरीब आदमी हूँ, 3 बच्चा छोड़ के आई हूँ मैं अस्पताल। बोला है कि डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, छुट्टी है, ऐसी कैसी छुट्टी है। क्यों बैठी हैं आप? जैसे बैठे की एक्सरे के लिए बैठे। क्यों, क्या एक्सरे हो नहीं रहा? हाँ, कह रहा चूहे की बात आ रही, चूहे की बात आ रही। कितना समय हो गया बैठे? बहुत समय होगा, कम से कम 9 बजे की बैठे। 9 बजे की बैठे। हाँ, बोले की एक्सरे हो नहीं रहा। क्या हाँ, क्या कह रहे? कि भाग गए भी तो। क्या कह रहे? क्या जिसे चूहा है हमने भाग खड़ा। अच्छा, चूहा परेशान किए हुए? हाँ नहीं, वो अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने ये कंप्लेंट किया कि साहब एक्सरे की तो बात नहीं कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड के लिए कह रहे थे कि अल्ट्रासाउंड यहाँ सर नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सारा उसको संज्ञान में लिया हुआ है। एक्सरे में के रूम में एसी जो लगा हुआ है उसमें एक चूहा घुस गया था, सड़ गया था, तो उसको निकलवा दिया गया है और एक्सरे की सुविधा शुरू करा दी गई, एक्सरे में एक्सरे होने लगे हैं। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड की बात है, अल्ट्रासाउंड में जो टेक्नीशियन है उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया तो वो काम नहीं कर पाई, सुबह मुझसे मिली थी, लेकिन उसके लिए भी हमने ट्रेनी एक बीएमएस डॉक्टर और साथ में ट्रेनी जो स्टूडेंट है उनको लगाया हुआ है, अभी बोला हुआ है, और अल्ट्रासाउंड भी उम्मीद है कि अभी 5-10 मिनट के अंदर अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएंगे।